पटना के पास गंगा नदी में नाव पलट गई। 13 लोगों को बचाया गया है, 4 अभी भी लापता है। लापता लोगों की तलाश में फिलहाल प्रशासन की टीम जो है वो जुटी हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। तो पटना के पास आपको बता दें कि बड़े इलाके में गंगा दशहरे के दिन एक बड़ा हादसा हुआ। गंगा नदी में नाव पलटने से 17 लोग पानी में डूब गए और ये लोग उमानाथ घाट पर गंगा स्नान करने गए थे। मिल रही जानकारी के अनुसार गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु बड़ी तादाद में गंगा स्नान करने के लिए यहां जुटे थे। गंगा के दोनों तरफ श्रद्धालुओं का तांता यहां लगा हुआ था। गंगा में कई नाव भी चल रही थी और लोग इस पार से उस पार आ जा रहे थे। इसी दौरान एक नाव बेकाबू हो गई और बीच गंगा में डूब गई। उमानाथ घाट के पास इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार यहां पर जारी है। पटना के पास गंगा नदी में अचानक से ये नाव जो है वो पलट गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। 13 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है, लेकिन 4 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता नहीं, यानी 4 लोग अभी भी लापता है। फिलहाल लापता लोगों की तलाश में प्रशासन की टीम जो है वो जुटी हुई है। लापता लोगों को खोजा जा रहा है। तो स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है।